नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर राजस्थान से। आप सब जानते हैं सीएलसी सीकर का एक वो संस्थान है जो नीट और जेई दोनों में इक्विवेलेंट पैरेलल बेस्ट रिजल्ट देता है। ये वीडियो आज 1 मार्च 2022 को मैं शूट करने जा रहा हूं हरियाणा के उन बेटे बेटियों के लिए जो अपने टैलेंट के दम पे स्कॉलरशिप चाहते हैं, जो अपने टैलेंट को प्रूव करके अपने फीस में एक अच्छा सा अपने पेरेंट्स का सेव करना चाहते हैं। इसको हम नाम दिया हमने जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। बात शुरू करते हैं। जो बेटा बेटी समय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा है, इन सारे बेटे बेटियों के लिए 6 मार्च को दोपहर 12 से 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपकी अपनी सीएलसी आपके हरियाणा के ऑलमोस्ट सभी 22 जिलों में 100 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करने जा रही है। परीक्षा केंद्रों लिस्ट 2 या 3 मार्च को दैनिक भास्कर अखबार में आप देख सकते हैं या dtsc.clcparivar.in हमारी वेबसाइट है, वहां देख सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न बता दिया, सिलेबस क्या है, आ जाओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों के 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 50 साइंस के आएंगे, 11th 12th में 50 फिजिक्स के आएंगे, 50 केमिस्ट्री के आएंगे। हाँ, पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, नेगेटिव करोगे 1 नंबर गायब हो जाएगा। ये बात होगी एग्जाम की। अब आपको सर ठीक है, अच्छा कोई चार्ज नहीं इस एग्जाम का, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको तो जाके केवल अपने प्रतिभा का लोहा मनाना भाई। अब आपके सामने प्रश्न आएगा, सर ये एग्जाम हम क्यों दें, हमें से क्या होगा। तो पहली बात तो बेटा क्या होगा तो बाद की बात है, आपका लग तो कुछ रहा ही नहीं ना। आपके घर के नजदीक ही एक पेपर देने का मौका आपको मिल जाएगा, एक ओमआर सीट का पैटर्न आपको मिल जाएगा। आ जाओ जी, फिर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। हर जिले से, साहब बहुत गहरी बात करो, 22 डिस्ट्रिक्ट के हर जिले से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 क्लास, हर क्लास का 200 बच्चा, हर जिले के 1600 बच्चों को सम्मान करेंगे। और सम्मान भी सीकर नहीं बुलाएंगे, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आके करेंगे साहब। तो आप देखो 22 जिलों में तो लगभग 35,000 बच्चों का सम्मान करने के लिए मैं खुद मेरी टीम के साथ आपके हरियाणा स्टेट में लगभग 7 दिन रहूंगा। उनकी किस डिस्ट्रिक्ट में मैं किस तारीख को आऊंगा, इसके लिए आप 25 मार्च को dtsc.clcparivar.in हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर विजिट कर ले, या जो बच्चा इस एग्जाम में बैठेगा जो मोबाइल नंबर आप हमें दोगे बाकायदा संस्था की तरफ से आपके पास कॉल भी आ जाएगा। बात रिवाइज करूं, एग्जाम 6 मार्च की, एग्जाम ऑब्जेक्टिव बोथ मीडियम में है, कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 50 साइंस के, 50 मैथ के, 11, 12 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री। हाँ, 11 में सिलेबस 11 का आएगा, 12 में सिलेबस 12 का आएगा। एग्जाम होगी 6 तारीख को। अब आगे चलो डीएम, अब आपको साहब फिर आपने कहा पुरस्कार वितरण तो आप कर दोगे, तो क्या इसमें इस एग्जाम के बाद यदि हम आपकी संस्था में एडमिशन लें तो क्या कोई स्कॉलरशिप है? बिल्कुल ये रे भैया, हमारी ट्यूशन फीस पे 100% तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान है। या आप चार्ट देख लें, और ये चार्ट आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में तो आप clcparivar.in हमारी वेबसाइट है वहां विजिट कर लो, वहां स्पष्ट रूप से चार्ट पड़ा है जिसको आप देख सकते हैं। ओके डियर, फिर आगे चलते हैं। सर रिजल्ट कब आएगा? सीएलसी दोस्तों काम करते फुली ट्रांसपेरेंसी से, 6 मार्च को ही 8 बजे हमारा यूट्यूब चैनल है सीएलसी सीकर, सभी पेपरों का वीडियो सॉल्यूशन आएगा। 6 मार्च की रात को 9 बजे आपके पास आंसर किया जाएगा, वही dtsc.clcparivar.in, और 13 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा, कहां, वही dtsc.clcparivar.in पे। होगी बात क्लियर? एक बात थोड़ा और क्लियर कर दूं, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट के 1600 बच्चों का पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन हम इसके लिए 11 जिलों में प्रोग्राम करेंगे, एक जिले में 2 जिलों के बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि हरियाणा में जिले पास पास हैं। मेरी बात हुई मेरे साथियों से, उनका श्रवण सर आप 22 दिन की बजाय 11 दिन में 11 डिस्ट्रिक्ट इस प्रोग्राम को आप कर सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट के 1600 बच्चे, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट पे 2 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, जो 25 मार्च को हमारी साइट पे क्लियर कर देंगे हम लोग। बात यहां तक हो गई, ये बात होगी दोस्तों डीटीएससी की। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके आप अपनी बात पूछ सकते हैं। एक बात पिछले 5-10 दिन बड़ी परेशान कर रही है, वो बात है इस समय जो बच्चा 11th पढ़ रहा है, जिसने 2021 में 10th पास किया, वो किसी भी कारणवश 11th में अपना घर नहीं छोड़ पाया, कोरोना कारण मान लो, कुछ भी मान लो, लोकल स्कूल में अटक गया, लोकल कोचिंग अटक गया, अब उसका 11वीं पूरा होते होते उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ तो पल्ले नहीं पड़ी, पर ये पल्ले पड़ गया कि भैया 11th के बिना नीट और जेई को क्रैक नहीं किया जा सकता। तो वो कहता साहब वापस 11th दोबारा कराओ मेरे को। जब यार ये बात मेरे सामने आई तो एज ए शिक्षक मुझे वो दर्द हुआ कि किसी बच्चे का 1 साल खराब कैसे कर सकते हैं। टीम की बात हुई, मैनेजमेंट बैठा, क्या किया जाए, तो उनका साहब एक 2-in-1 का बैच शुरू कर दिया।
ओके, एक साल में ही दोनों 11वीं 12वीं का कोर्स पूरा कराया जाएगा साहब। इसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 7 मार्च से, 21 मार्च से, 11 अप्रैल से, ये 3 बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें जैसे आपका 11th का एनुअल एग्जाम पूरा हो जाए, जहां भी पढ़ रहे हो अपना बिस्तर पैक करके सीकर आ जाओ। और साहब 30 दिसंबर को, हौस में कह रहा हूं, 30 दिसंबर 2022 को 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस नीट जेई 2023 के लिए, तो 23 में देखो आप लोग, पूरा करा दिया जाएगा। उसके बाद भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपके पास 5 महीने रहेंगे। दोस्तों वाकई कुछ करना चाहते हो तो सीएलसी का 2-in-1 कोर्स आके ज्वाइन कर लो। मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेहनत करूंगा, आपसे मेहनत कराऊंगा, ईश्वर हमारा साथ देगा, साल बचाएंगे। तो पधारें, अपनी सीएलसी, आपकी सीएलसी और अपने इस वीडियो को जो भी मेरे अपने देख रहे हैं, प्लीज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के सारे बेटे बेटू एग्जाम दिलाएं। कोई चार्ज है नहीं, दूर कहीं जाना नहीं है, घर के पास सेंटर है। तो आई थिंक घर में जब गंगा आ रही है तो डुबकी लगा लेनी चाहिए। ओके डियर, थैंक यू, जय सीएलसी।